मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेज खुल जाएंगे। पहले 10 दिन प्रैक्टिकल के लिए क्लास लगाई जाएंगी। 10 तारीख के बाद यूजी फाइनल ईयर और पीजी थर्ड सेमेस्टर की क्लास शुरू हो जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्ताव को लगभग तैयार कर लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद के बाबई में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक बार फिर से गुंडों को प्रदेश छोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं तो 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। सीएम शिवराज शुक्रवार को किसान सम्मान कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के दिल्ली जाने के संकेत मिलने लगे हैं। आलाकमान उन्हें दिल्ली संगठन की बड़ी भूमिका देने की तैयारी में है। पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि उन्हें दिल्ली बुला रहे हैं, जबकि हम चाहते हैं कि वे यहीं रहें। भोपाल के नानके पेट्रोल पंप पर क्रिसमस के दौरान सजावट की गई है। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर की गई सजावट संस्कृति बचाओ मंच को नागवार गुजरी। पेट्रोल भरवाने पहुंचे मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने पेट्रोल पंप संचालक से ये कहते हुए आपत्ति जताई कि हिंदुओं के त्योहार पर सजावट क्यों नहीं की जाती। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कन्या पूजन के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत के निर्देश मध्य प्रदेश की जनता को भावनात्मक रूप से छलने का प्रयास है, ये प्रदेश की जनता की भावनाओं से धोखा है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी, कन्या पूजन के निर्णय का सदैव स्वागत है, लेकिन उनकी सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का है। यहाँ पर हर रोज मासूम दरिंदगी का शिकार हो रही है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अपना आय या मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। अब आपको सिर्फ 181 पर कॉल करना होगा, यहाँ आधार नंबर बताना होगा, प्रमाण पत्र आपको एक दिन में व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर सीएम सिटीजन केयर योजना की शुरुआत की है। पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक चौराहे के पास उनकी 12 फीट ऊंची और 1300 किलोग्राम वजनी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि अटल जी की प्रतिमा मध्य प्रदेश की राजधानी के हृदय स्थल में लगी है। उज्जैन पहुंचे गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में दिशाहीनता है, किसानों का भी दायित्व है कि वे संवाद का मार्ग अपनाएं। भोज वेटलैंड विंटर वर्ल्ड काउंट कार्यक्रम का आयोजन भोपाल वर्ल्ड संस्था द्वारा मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और VNS नेचर सर्विस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कुल 110 प्रतिभागियों ने भोज ताल के विभिन्न 5 चयनित जोन में अलग अलग सत्र में गणना की। हिमालय पर बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी पड़ा है। इसके कारण ही लगातार बढ़ रहे तापमान में ब्रेक लगा है। गुरुवार रात का पारा लगभग सभी जगहों पर सामान्य के आसपास रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि शनिवार को तापमान में और कमी आ सकती है, हालांकि ये सामान्य के आसपास ही बना रहेगा। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर भाजपा के जिला कार्यालय में नवनिर्मित अटल भवन का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसी कार्यक्रम में कुर्सी पीछे मिलने पर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर भड़क गईं और सीएम शिवराज के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही चली गईं।